गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मां नर्मदा की महाआरती करते हुए कहा कि नर्मदा मैया की कृपा से ही मध्य प्रदेश समृद्धि और विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस दौरान उमा घाट पर लेजर शो और आतिशबाजी का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में लोग इस भव्य समारोह में शामिल हुए। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने जबलपुर आए मुखिया शिवराज सिंह ने ग्वारी घाट उमा घाट पहुंचकर पतित पावनी मां नर्मदा की महाआरती की और मां नर्मदा से प्रदेश और देश के लिए आशीर्वाद मांगा, सबके कल्याण की मंगल कामनाएं की। नाम सौभाग्य मिला आज ग्वारी घाट पर मां नर्मदा जी की आरती करने का। नर्मदा मैया मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है और मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास और जनता का कल्याण उन्हीं के आशीर्वाद से होता है। आज दर्शन करके और आरती करके यही संकल्प लिया कि हमारी संस्कारधानी जबलपुर जहाँ गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मुझे आने का सौभाग्य मिला है। जबलपुर आगे बढ़ रहा है, जबलपुर बदल रहा है, मैया की कृपा से तेज गति से विकास के काम जारी है, तो जबलपुर पर भी उनकी कृपा बनी रहे, मध्य प्रदेश पर उनकी कृपा बनी रहे, पूरे देश पर उनकी कृपा बनी रहे, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना माँ के चरणों में है। और माँ की कृपा से हम लोग मध्य प्रदेश के साथ साथ अपने प्रिय शहर संस्कारधानी जबलपुर की प्रगति और विकास की योजनाएं बनाते जाएं और क्रियान्वित करते कि न केवल नर्मदा में स्नान करने से। इस दौरान माँ नर्मदा की पौराणिक कथा पर आधारित लेजर शो किया गया जिसमें 3D प्रोजेक्शन ने समा बांध दिया। हजारों लाखों पवित्र तीर्थ विद्यमान है। पूरा नर्मदा पुराण भिन्न भिन्न तीर्थों के वर्णनों से भरा पड़ा है। महर्षि मार्कंडेय है जो भारत की ऐतिहासिक। इस मौके पर की गई आकर्षक आतिशबाजी ने आसमान में रंगोली सी छटा बिखेर दी। पूरा इलाका मां नर्मदा के जयकारों से गुंजायमान रहा।